हाँ भाई, यहाँ पे मैंने सेट कर लिया अपना पीसी मेरे रूम में, ठीक है। ये मेरी दोनों बिल्लियों का केज वगैरह रहने वाला, ठीक है। तो आज का व्लॉग इस तरह का सीन है भाई कि हम लोग जा रहे हैं अभी जिम। ये पहनी भी अभी मैंने अपर पहनना है, और फिर मैं कहा था मैंने अपर पहन के जैकेट पहनी है, और फिर शूज़ पहने, फिर निकलते हैं। और रास्ते में से उठाना है हमने फैसल भाई को, ठीक है। तो वहाँ पे जाके सारा सीन दिखाते हैं, टेंशन नहीं। आज दिखाएंगे भाई जिम में हम करते क्या है। ओका, लेकिन अगर अब तक तुम लोगों ने लाइक नहीं करो तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब करो भाई, मुझे नहीं पता, जल्दी करो फौरन करो। ओके, तो प्लीज ये जो एक्सरसाइज है ये है हमारी बैक की, ये हमारा जो पीछे का बैक होता है ये उसको बनाता है, उसके मसल्स को ट्रेन करने के लिए होता है। तो इसके मैं 3 सेट्स लगाता हूँ, ठीक है, 30, 25 और 18 के। तो यहाँ पे मैं ज़्यादा नहीं लगा रहा, वीडियो में तो मैं ज़्यादा लगाता नजर नहीं आऊँगा, मैंने एक एक सेट लगाए हैं सबके, ठीक है। इसके बाद हम लोग शिफ्ट हो जाएंगे नेक्स्ट बैक पे, ये भी हमारी मेन बैक को ट्रेन करता है, पीछे वाली एग्जैक्ट बैक को जो होता है, ठीक है, अपर वाली उसको ट्रेन कर देता है। इसके भी मैं इस 3 सेट्स ही लगाता हूँ, 30, 25 एंड 18 रैप्स के, ठीक है। उसके बाद ये बैक है, ये हमारा अपर बैक, और जो हमारा ये आर्म होता है उसको भी ट्रेन करता है ये। और इसके भी हम उतने ही सेट लगाते हैं, ये मैं 4 प्लेट्स के साथ 30, 25 एंड 18 का सेट लगाता हूँ मैं। इसके बाद ये है एक हमारी बैक जो बटरफ्लाई बनाता है हमारा, ठीक है। फिर हम लोग रेस्ट कर लेते हैं भाई थोड़ा सा, ताकि भाई रेस्ट भी इंपॉर्टेंट है, हमें दूसरी एक्सरसाइज भी करनी है। अब चेस्ट क्रैम शिफ्ट होंगे, ये अपर चेस्ट को बनाता है हमारी, तो इसके भी हम लोग यही सेट्स में रखता हूँ। ये मैं ट्रेन कर रहा हूँ, यानी वर्कआउट कर रहा हूँ, उसका प्री वर्कआउट होता है ये, 5 kg की प्लेट्स के साथ करता हूँ। इसके मैं 20 रेप्स लगाता हूँ। फिर ये हम कर रहे हैं 7 प्लेट के साथ, ये हमारी मिड चेस्ट को करता है और साइड चेस्ट को ट्रेन करता है। इसके मैं 4 सेट लगाता हूँ, 35, 30 एंड 25 और 18, इस तरह के मैं इसके 4 सेट्स लगा लेता हूँ, बिकॉज के ये साइड चेस्ट को थिक कर बनाता है और हार्ड बनाता है, और जिनका फ्लैश होता है वो ज़्यादा टाइट हो जाता है। और ये एक दूसरी एक्सरसाइज है, तुम लोग देख सकते हो भाई की बैक चेक करो कितनी लेवल लग रही है, भी पंप हुई भी। ये होती है हमारी चेस्ट लिफ्ट करने के लिए, इसके मैं 3 सेट लगाता हूँ, 30, 25 और 18 का, वही मैं लेके चल रहा हूँ। अब मैं आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा रहा हूँ, सेम ही नहीं रख रहा हूँ, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा देता हूँ मैं इसके एक एक प्लेट्स, या तो प्लेट बढ़ा दूँगा या रैप्स बढ़ा दूँगा। वैसे तो हम रैप्स बढ़ा देते हैं, ये हमारी जो है मेन अपर चेस्ट को ट्रेन कर रहे हैं फिर दोबारा से हम, क्योंकि ये सेकेंड रैप है हमारा, सेकेंड सेट है। और अभी इसके बाद हम लोग और दोबारा जाएंगे चेस्ट के ऊपर, जो मिड चेस्ट को ट्रेन करता है, ये वाली जो एक्सरसाइज है, ये मिड चेस्ट को चेक कर सकते हो तुम लोग कितना पंप आ रहा है चेस्ट पे इस टाइम। फिर हम लोग पानी पियेंगे, क्योंकि भाई डिहाइड्रेशन से हमें बचना चाहिए, और डिहाइड्रेशन से बचने के लिए हम लोगों को वाटर की बहुत जरूरी होती है, वाटर बहुत जरूरी होता है। उसके बाद अब ये देख रहे हो, तुम लोगों को पता नहीं क्या लग रहा होगा मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ भाई। ये एक तो हमारा बाइसेप ट्रेन करता है और ट्राइसेप ट्रेन करता है, ठीक है, ये चेक कर सकते हो यहाँ से मुझे कितना पंप मिल रहा है, और मेरी बैक चेक करो क्या बन रहा है बैक के साथ, ठीक हो गया। अब ये देखो, ये है रियल चीज़, ये हमारी बाइसेप और ट्राइसेप दोनों को ट्रेन कर रहा है, ठीक है। ऊपर से तुम लोग शोल्डर भी देख सकते हो, शोल्डर का अलग एक्सरसाइज होती है, अलग वर्कआउट होता है। और अब ये चेक करो कितना लेवल लग रहा है। ओके बॉयज, ओके बॉयज, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ ब्लॉग का एंड। सो भाई हम लोग बहुत ठीक कर लिए हैं, चेस्ट की और बैक की है, ठीक है, तो देख सकते हो भाई। मैं तुम लोगों को ना अपनी पिक्चर भी दिखा दूँगा जो अब तक बन चुका है मेरा बॉडी, इधर आप फ्लैक्स फ्लैक्स मार लेना, चलो तुम लोग लाइक कर दो, सब्सक्राइब करो, मैं तुम लोग इंशाल्लाह अपने ब्लॉग में तब तक टिकट काटा।